कुछ कहना चाहती हैं आप खास मौके पर आज लॉन्च क्या कुछ कहना चाहती हैं आप इन मुंबई एंड 32nd इन महाराष्ट्र ओके आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं VLCC के 22nd मुंबई के सेंटर के इनॉग्रेशन पे आई हूँ और महाराष्ट्र का ये 32nd सेंटर है और बहुत खुशी है कि ये वेलनेस इंडस्ट्री जिस तरीके से अपने देश में बढ़ रही है ग्रूम हो रही है और उसके पायनियर्स है वंदना जी जैसे लोग वंदना मैडम खुद क्योंकि इन्होंने ये इंडस्ट्री 250 करोड़ की इंडस्ट्री से ग्रो होते हुए देखी है 2008 में ये 250 करोड़ की इंडस्ट्री थी आज ये 80,000 सम करोड़ की इंडस्ट्री है तो ह्यूज वे इट हैज़ कम अप और जैसे आप VLCC का स्पेसिफिकली देखें इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन है जैसे मैडम ने कहा ये क्यूरेटिव नहीं ये प्रिवेंटिव मेजर्स देखती है अगर आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ पे एक जिम है यहाँ पे ग्रूमिंग रूम्स भी है पर जिम भी है और ये लोग फोकस करते हैं डाइट पे और छोटी छोटी चीज़ें जैसे बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाए ये सब जो रोज़ के रूटीन में ज़रूरी चीज़ें इस पर ये लोग हमको ट्रेन बताते हैं अवेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है एंड मैडम एज आई सेड शी इज़ अ पायनियर इन ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री या जो इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया जाता था आज उस इंडस्ट्री को पूरा भारत रिकग्नाइज करता है पीपल आर अवेयर दे वॉन्ट टू बी ग्रूम बहुत रीजन्स है उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम्स है चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स वेरियस एक्सपोजर्स वर्किंग वुमेन जो खुद को पैम्पर करने को आज तैयार है तो ऑल दीज थिंग्स वेरी गुड एंड द रीज़न इट इज़ केटरिंग टू कॉज कॉज इज गुड हेल्थ एंड गुड हेल्थ देखिए अमृता जी मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैंने इनको बहुत अच्छे काम करते हुए देखा है और ख़ासतौर महाराष्ट्र के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है शी इज़ इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग चिल्ड्रेन ये हर प्रकार से आई वुड से आई फील प्राउड टू से शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ महाराष्ट्र मैं हमेशा बोलूँगी कि आज जो महाराष्ट्र में उन्नति हो रही है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ आई थिंक शी इज़ ये तो खुद अपने में एक मिसाल है और इनको देख के कौन कह सकता है आई थिंक शी इज़ द एम्बेसडर फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी आई वुड से शी रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सो ब्यूटीफुली उनमें जो बात है और इतना इनक्रेज करती हैं हम आए थे इधर और इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और ये जो हमारा साथ देती हैं डेफिनेटली शोज़ दैट शी बिलीव्स इन गिविंग पीपल ऑफ अ स्टेट अ हेल्दी लाइफस्टाइल और क्योंकि महाराष्ट्र में भी ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे अगर मुंबई को देखें तो लोग बहुत ओबीस हैं और ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स भी बढ़ती जा रही हैं तो अगर अमृता जी और हम लोग इकट्ठे मिल के काम करें तो मैं समझती हूँ इस स्टेट को तो हम तंदुरुस्त स्वस्थ बना सकते हैं और लोगों को अच्छा जीवन दे सकते हैं जो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में सबसे ज़रूरी है धन दौलत के पीछे लोग भागते हैं पर मैं समझती हूँ कि आज जिसके पास अच्छी सेहत नहीं है अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उसके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो सबसे बड़ी पूंजी हमारे लिए हमारी हेल्थ है मेरे ये समझती हूँ देखिए मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है VLCC से इन्होंने मुझे डाइट से लेके हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑन डेली रूटीन बेसिस बहुत अच्छे से समझाया है तो मैंने वो फॉलो किया है दैट्स इट बट बेसिक इट डिपेंड्स ऑन डाइट एक्सरसाइज जिसका भी उन्हीं से मुझे काफ़ी कुछ गाइडेंस मिला है सॉन्ग्स फिलहाल मैं नहीं आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग बट बहुत अच्छे कुछ राष्ट्र प्रेम वाले या जिसमें सोशल मैसेज हो ऐसे कुछ रहे तो मैं पक्का गाऊंगी और एक बात मैं कहूंगी कि VLCC की जो हेल्थ एंथम है जो हम बहुत जल्दी अभी लॉन्च करेंगे वो अमृता जी को ही रिक्वेस्ट करूंगी वही अपनी प्यारी आवाज़ में गाएंगी वी गोइंग टू फ्लैग इट ऑफ विद हर नहीं मुझे मिल चुके हैं मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है बट आई एम अ बैंकर आई एम अ सिंगर आई एम अ सोशल वर्कर आई विल स्टिक टू दैट वो उनका लुकआउट है बट आई एम सिंगर
आई रियली रिस्पेक्ट मैडम एंड द स्टाफ, जितना भी मैं जो भी सर्विस कराया है मैंने, और स्टाफ मेंबर्स आर सो वेल ट्रेंड इक्विप्ड एंड दे आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, तो मुझे अच्छा लगता है. आई एम कनेक्टेड टू VLCC एंड मोर देन एनी प्रोफेशनल रिलेशंस आई एम फ्रेंड्स विद देम, तो आई विल ऑलवेज बी देयर, जब भी वो बुलाएंगे मैं आऊँगी. कम्प्लीट राहत मिलेगी आई थिंक सो. शांतिपूर्ण अपने जो पॉइंट्स रहते हैं वो सामने रखना हमारे अधिकार है, और इफ़ दे आर डूइंग इट दैट इज़ गुड, और दैट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑल्सो कम्प्लीटली आई एम श्योर. और अभी लोगों को तो खुशियाँ मिलेगी उससे, ओला की तो सभी को ज़रूरत होती है, आपको मुझे सबको. फिटनेस टिप्स मैडम विल बी बेटर इक्विप्ड, बट वन और टू आई कैन गिव यू. मॉर्निंग नींबू पानी पीजिए उठने के बाद, उसके बाद आप थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट रखिए, एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर करिए दिन में. रात को 7 बजे के बाद खाना ना खाइए, 7 बजे तक खा के थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, और मैडम भी कुछ दे पाएंगी. मैं अमृता जी से बिल्कुल सहमत हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि हम लोग हमेशा खाने को दोष देते हैं, पर एक्चुअली दोषी तो हम खुद हैं, क्योंकि हम जो खाना अच्छा भी है उसमें घी और तेल और दुनिया भर का मीठा डाल के उसको ख़राब करते हैं. तो सिर्फ एक सेकंड के स्वाद के लिए हम अपने जीवन के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं. तो यही कहूँगी, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी खुराक खाना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है और ये जन्म दिया है, तो अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारी बॉडी एक टेम्पल की तरह है, हमें उसको उसका ख्याल रखना चाहिए. तो मैं तो इतना कहूँगी कि जो इंसान व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखे, इतना ही कहूँगा. सॉफ्ट टारगेट हुआ आई एग्री, बट दैट डजंट मेक मी सॉफ्ट. कोई भी कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो मैं ज़रूर सराखों पे लूँगी, खुद को इम्प्रूव करूँगी. डिस्ट्रक्टिव है विच इज़ गनिंग टुवर्ड्स CM, आई विल नॉट टेक इट, आई विल गो एज पर माय माइंड. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं आप VLCC के फैंस को और अपने फैंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि VLCC इज़ अ ग्रेट ब्रांड टू अटैच योर सेल्फ टू, और प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज और वेरियस उनके जो रूटीन्स जो वो बताते हैं, ये बहुत वर्थ इट है, अप टू द मार्क है, इंटरनेशनल है. तो हुएवर वांट्स टू हैव ग्रेट हेल्थ ग्रेट बॉडी कैन ऑलवेज गो टू VLCC टू टेक कंसल्टेशन.